हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप Realme 5s, Realme 5i एंड 5 में Realme 3i यूज करते हैं, Realme X, Realme XT, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro यूज करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जुलाई अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे भाई ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, भाई Realme 5 सीरीज में, Realme 3 सीरीज में, Realme XT में, Realme 3 Pro में, 5 Pro में कब अपडेट मिलेगा? दोस्तों, अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जुलाई मंथ में अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो को एंड तक रहे, इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा मुझे सारा जानकारी देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलाउद्दीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं बात कर रहता हूँ, सबसे पहले Realme 5s, Realme 5i एंड 5 में जुलाई अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसमें लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, C.73 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कौन सा वर्जन चल रहा था? C.71 का लेटेस्ट वर्जन चल रहा था। अब दोस्तों, जो जुलाई अपडेट मिल चुका है तो उसमें आपको C.73 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। 27 तारीख से ही आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है दोस्तों। आपको यानी आपको फ्यूचर देखने को मिल सकता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके हमेशा रखना, क्योंकि आपको को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आपको फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसके बाद बात करें इसके फीचर क्या दिया गया है। इसमें फीचर आपको अपडेट लॉक को जैसे हम क्लिक करते हैं देख सकते हैं, अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जून एंड जुलाई 2021। तो इसमें आपको कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिस्टम को लेकर परफॉर्मेंस क्या गया है और इम्प्रूव किया गया है, इसमें आपको आपकी Realme 5s, Realme 5i में अभी तक कोई फीचर देखने को नहीं मिला है। आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको ये फिक्स कर दिया जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। सिस्टम को लेकर हर मंथ आपको जो कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है, अभी तक कोई आपको फीचर देखने को नहीं मिला है Realme 5s, Realme 5i 5 में। तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके जरूर रखना है, C.73 का लेटेस्ट वर्जन करके रखना जरूरी है, नहीं तो आपको सिस्टम को प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमेशा अपने मोबाइल को अपडेट करके रखना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए मैं बात करें तो Realme X XT के बारे में। Realme X XT में जुलाई अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको C.12 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। 28 जुलाई से ही आपको जो Realme X XT में 28 जुलाई से ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रहा है, मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो आपको वेट करें, आपको मिल जाएगा। आपको सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको मिल चुका है, तो वहाँ से सेटिंग में जाकर अपडेट कर सकते हो। आपको नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, 4 से 5 दिन आपको भी मिल जाएगा। इसमें इसका अपडेट में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, तो इसमें अपडेट लॉक में जैसे हम क्लिक करते हैं, इसमें आपको कोई भी फीचर देखने को मिलेगा। सिस्टम को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, उसमें परफॉर्मेंस किया गया है, सिस्टम को लेकर लैगिंग प्रॉब्लम, हैंगिंग प्रॉब्लम है, तो आपको ये फिक्स कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट हर मंथ आपको मिलते रहता है, आपको अपडेट करके रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हैंगिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो कैमरा को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होता होगा, तो इसमें आपको हीटिंग प्रॉब्लम होता होगा, तो इसमें आपको फिक्स कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट में। अभी तो इसमें कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा, 28 जुलाई से ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल चुका है। दोस्तों, अगर आपको Realme Y 2.0 का अपडेट नहीं मिला Realme X XT में, तो आपको उसका अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है अगले मंथ में ही, तो आपको नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, आपको भी मिल जाएगा। Realme X XT में Realme Y 2.0 का अपडेट है देखने को मिल जाएगा, आपको वेट कर लेना। इस मंथ दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रहा है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट को आपको करके रखना बहुत ही जरूरी है। सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम है तो आपको ये फिक्स कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं Realme 3 Pro के बारे में। Realme 3 Pro में जुलाई अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको C.18 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। 27 जुलाई से ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आपको वेट कर लेना है, आपको 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। Realme 3 Pro में आपको अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अपडेट लॉक में जैसे क्लिक करते हैं, इसमें आपको कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा। सिस्टम को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, हैंगिंग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम, बैटरी को लेकर प्रॉब्लम होता होगा, तो आपको सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो आपको फिक्स कर दिया जाएगा, परफॉर्मेंस किया जाएगा। तो Realme 3 Pro में यही फीचर देखने को मिला है, कोई भी आपको फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम हो तो वही आपको फिक्स कर दिया जाएगा। इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा, C.18 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने Realme 3 Pro में अगर Android 11 का अपडेट नहीं मिला है तो अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करें तो Realme 5 Pro के बारे में। Realme 5 Pro में जुलाई अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, रोल आउट हो चुका है, तो इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, C.15 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं C.15 का लेटेस्ट वर्जन देख सकते हैं, इसमें मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो 26 जुलाई से ही आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रहा है, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, आपको भी 100% आपको दोस्तों मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन तो C.15 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल रहा है। इसका फीचर की बात करें, इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिस्टम को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो, हीटिंग की प्रॉब्लम, हैंगिंग प्रॉब्लम हो, वही आपको परफॉर्मेंस किया गया है। सिस्टम को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो इंप्रूव किया गया है। दोस्तों, आपको इसमें आपको कोई भी फीचर देखने को नहीं मिला है। अगर आपको Realme 5 Pro में Android 11 का अपडेट नहीं मिला था, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अब बात कर रहे थे कि रियलमी 3 3i में अभी तक जुलाई मंथ में अपडेट नहीं मिला है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको वेट कर लेना, आपको मिल जाएगा। जुलाई का अंत एंड में आपको देखने को मिल सकता है, 99% चांस है कि आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी तक इसका अपडेट नहीं आया, जब भी अपडेट आएगा मेरे वेबसाइट पर शो होगा दोस्तों, मैं इसके बारे में फटाक से मैं वीडियो बना दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको रियलमी 3 3i में सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो में जरूर बना दूंगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी तो फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर टेलीग्राम को और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।